कश्मीर के मालबाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान कुलदीप उराव का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके घर पहुंचा। वो झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले थे। कुलदीप सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन में तैनात थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही उनके घर पर मातम पसरा था। उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर द्वारा जैप 9 ग्राउंड में उतारा गया। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद को सलामी दी। इस दौरान जिले के उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा, डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह, राजमहल विधायक अनंत ओझा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को रांची में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। कुलदीप उराव का जैप 9 परिसर के पास राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कुलदीप उराव साहिबगंज जिले के आजाद नगर जिरवाबड़ी वार्ड नंबर 12 के रहने वाले थे। कुलदीप सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम के सदस्य थे, जो फिलहाल श्रीनगर में पोस्टेड थे। उनका पूरा परिवार पुलिस और सेना से ही संबंध रखता है। पिता घनश्याम उराव सीआरपीएफ के 190वीं बटालियन से 2007 में रिटायर हुए हैं, जबकि शहीद कुलदीप उराव की पत्नी वंदना उराव भी कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। भाई प्रदीप उराव का भी सेना में चयन हुआ था, लेकिन पेट के ऑपरेशन के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। कुलदीप उराव की बहाली जनवरी 2011 में सीआरपीएफ में हुई थी और हाल ही में उन्हें प्रोन्नति दी गई थी। साहिबगंज से दिनेश रजक की रिपोर्ट।